राममय होइछि अयोध्या नगरी। प्रभु श्रीरामक मंदिर प्रतिष्ठा को आउ मात्र कई घंटार बाकी आवर्व गत गुरुवार ठार आरंभ होता प्राण प्रतिष्ठा पूजा जारी रही। क्रम आज मंदिर गर्भगृह प्रतिष्ठित रामलला मूर्ति को 114 कलश औषधीय जल में स्नान हो सरयू नदी रामघाट्रु 114 कलश पा आनी स्नान विधि संपन्न होतीसत मंदिर में स्थापित देवतांकर दैनिक पूजन यज्ञ वेद पारायण नीति अनुष्ठित हो 114 कलश औषधीय जल में रामलला मूर्ति को स्नान पर वैदिक मंत्रोच्चारण महापूजा यह छड़ा आज उत्सव मूर्तिर मंदिर परिक्रमा कार्यक्रम नीति संपन्न पर मंदिर गर्भगृह यह स्थापन होपरि महान्यास आदिन्यास शांतिक पौष्टिक अघोर होम आदि नीति संपन्न हो। अद्भुत कृष्ण जी, प्रभु अद्भुत कृष्ण नाम जैसा है, ये वेशभूषा भी वैसी है आपकी। जी मैं अद्भुत स्वामी श्री कृष्ण नाम है हमारा, उज्जैन मध्य प्रदेश से महाकालेश्वर से आया हूँ और बचपन से भक्ति और तपस्या करता था। भगवान ने मुझे ऐसा रूप दिखाया कि मैं भगवान कृष्ण का रूप धारण करूँ, भगवान का प्रचार करूँ, भक्ति करूँ। जैसे 16 साल से हमेशा ऐसे रहता हूँ। ये 16 साल से ऐसा रहना ये एक छोटी बात नहीं है, मन में क्यों आया कि मुझे कृष्ण वेश में आना है? अरे मैं भगवान जो है, पता है भगवान राम कौन है, भगवान कृष्ण कौन है? जे भगवान और राम पृष्ठभी के परमात्मा हैं। परमात्मा ने पता क्या करा कि परमात्मा पहले पृथ्वी पर आया, सोना चांदी हीरे जवाहरात पृथ्वी पर गाड़ के रख गया और इतना लंबी चौड़ी पृथ्वी बनाई कि जब तक इस दुनिया रहेगी जब तक पृथ्वी कम नहीं पड़ेगी। और फिर परमात्मा ने बताया कि मनुष्य जन्म कितना अच्छा है, कि परमात्मा को अच्छा लगा तो परमात्मा राम का रूप धर के आया। फिर परमात्मा ने कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, फिर परमात्मा कृष्ण बन के आया और उन्होंने सारी दुनिया को खुशियां दी और जीने का तरीका बताया, उसका नाम है राम। तब राममय हो चुकी है अयोध्या। राम में क्या आपको ताज्जुब होगा कि त्रेता युग में जो 14 बरस बाद भगवान का राज तिलक हो रहा था उसके लिए जनता उत्साहित थी, आनंद कर रही थी, उससे ज्यादा आनंद और खुशी आज कलयुग की जनता को आ रही। आप कितने खुश हैं अद्भुत कृष्ण जी, कितने खुश? मैं तो, मेरे को तो डांस करने को जी चाह रहा है, लेकिन डांस हो जाए तो भक्त भी देखें आपके नृत्य को। ये अद्भुत कृष्ण जी हैं जो नृत्य करते हैं, ये नृत्य कर गीत गाँव और निजे नृत्य कर कृष्ण रूप पे मोहन दिल दीवाना हो गया। साबुरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, अरे दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। साबुरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे ओठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे ओठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। ये भक्त को क्या कहना चाहेंगे, भक्त आपसे कुछ सुनना चाहते हैं? भक्तों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी भगवान को प्यार करता हो वो 22 तारीख को चंदन या तुलसी की माला लाए और उससे जो महामंत्र है, क्योंकि भगवान का नियम है शास्त्रों के मुताबिक कि यदि कोई भगवान को प्यार करता हो और स्वर्ग या मोक्ष को जाना हो तो उसे भजन भक्ति करना पड़ेगा। तो भगवान ने एक रूल्स बनाया है कि अगर एक मनुष्य रोज 16 माला का जाप करे तो वो भगवान के बहुत नजदीक पहुंच सकता है। तो फिर भगवान ने सुलभ रास्ता निकाला, वो एक महामंत्र है उसका जाप करेगा तो एक माला में 16 माला हो जाएंगी। मैं गा के बताता हूँ भगवान का महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अगर
इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जब भगवान के पास जाएंगे तो माला वालों की गिनती अलग होगी और ना माला बजने वालों की गिनती अलग होगी और उसी तरह से आपको जीवन दिया जाएगा पृथ्वी पर। इसलिए माला जाप जरूर करें और भगवान को याद करें। बोल भगवान रामचंद्र की जय। ये भक्त निशोक को हजे देछंती प्रभु रामंक पाखरे। निशोक एमती बेस करछंती 16 वर्ष जे कि कृष्ण बेस हेछंती आ से कहछन ताका ना होची अद्भुत कृष्ण, अद्भुत रूप तांकराओ, अद्भुत रूप धरी कि से आछंती अयोध्या नगरी। अयोध्या रो वीडियो जर्नलिस्ट विकास कौशल अनुज दास कनेक्ट न्यूज़।